खुशी 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 खुशी, हम खुश रहना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग इस जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। इस देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, बट साथ ही साथ हमें एक फीलिंग ऑफ सेल्फलेसनेस, एक हेल्दी प्राइड की फीलिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम आप ये देखो कि आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग इंडिया से पंजाब, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो वहाँ पे डॉलरों में कमाते हैं, घर रुपीस भेजते हैं। अगर वो हैप्पी होते बाई चांस, तो वो ये कह देते हैं ना कि नहीं यार, हमें तो हैप्पी रहना है, चाहे कम अपना कर लेंगे, अपना यहाँ आसपास कर लेंगे, फैमिली को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करना है, पास रहना है। या सोल्जर भी हैप्पी की फीलिंग पे करते, बट वो एक पॉजिटिव जो प्राइड होता है ना अंदर से, नाज कि यार हम करेंगे, हमें कोई किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है ना, हमें कोई नहीं है, हमारी फैमिली सही से कर रही है, और वही हमारे लिए एक सबसे बड़ी अच्छी और प्राइड की भाषा है। तो मैं कहूँगा हमारा बचपन से ही, एंसेस्ट्रल पीरियड से ही, एक हमारी जो मैस्कुलिनिटी, बेसिकली क्या है मैस्कुलिनिटी, एक तरीके की आइडेंटिटी है, जो कि फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है। कि आप देखो ना, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक एग्जाम्पल आया कि अगर फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स में एक नई फीमेल आई और उसने ज्वाइन करा, तो वो जो फीमेल ने दिखाया वो था एक मैस्कुलिनिटी वाला ट्रेट। क्योंकि ये बताया गया, मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, कि मैस्कुलिनिटी में हम देखते हैं इंटेलिजेंट बींग्स, रैशनल बींग्स, और फेमिनिटी में हम देखते हैं इमोशनल बींग्स, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग। तभी आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को अपनी यंग एज में, अगर आप उनसे पूछोगे ना कभी मदर और फादर में, चाहे वो बोलने को मदर या फादर नाम ले ले, बट अंदर से उनका दिल यही कह रहा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी मदर के बिना नहीं गुजार सकते। बहुत से लोगों को आप देखो जो सिंगल पेरेंट में एक फादर होता है, तो बच्चा हमेशा एक मदर की तलाश में होता है। तो मैं यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज अ मैस्कुलिनिटी, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि प्राइड और हैप्पीनेस में हम लोगों को स्टार्टिंग का जो एक फेज है ना लाइफ का, वो हमें प्राइड में गुजारना ही पड़ेगा। कॉज इफ वी वुड बी हैप्पी, तो हम ना यार एक एक वो फीलिंग जो बाद की जीनी है ना, वो हम खो देंगे। सबसे पहले सेल्फ सेक्रीफाइस करना बंदे को आना चाहिए, कि भाई बंदा दूर खड़े होकर देख रहा है कि उसकी फैमिली ढंग से खाना खा रही है, उसकी फैमिली है, और वो उसी में खुश हो रहा है। एंड दैट्स द ट्रू यू नो बिहेवियर, दैट्स द ट्रू एसेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी, जो मैं एक कहूँगा प्राइड। कि जब कोई बंदा बूढ़ा हो जाता, तो वो ये नहीं कि वो कोई हैप्पी है कि मैं इतने टाइम से साथ रह रहा हूँ, वो प्राइड कि हाँ आज मैंने जो खड़ा करा है, आज मेरी फैमिली के पास एक सेफ लिविंग है, और ऐसी मेरी एंसेस्ट्री आगे बढ़ी जाएगी, और वही उसका एक फ़र्ज़ होता है जो वो निभाता है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसका एक बैलेंस, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी प्राइड आप वो हैप्पीनेस ही त्याग दो, वो भी लाइफ आपको जीनी ज़रूरी है, बट एक स्टार्टिंग के जो फेज़ होते हैं एक 20-21 साल की एज में, तो वो प्राइड हमें अपनाना पड़ता है कहीं हद तक। और हाँ, लाइफ में आगे हैप्पीनेस की तलाश में बढ़ना चाहिए विदाउट बीइंग एरोगेंट। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हैविंग प्राइड एंड हैविंग एरोगेंस। एरोगेंस और ईगो तो एक बंदे की डिस्ट्रक्शन पे ही लीड करती है, और वो बेसिकली सेल्फ दूसरों से कंपैरिजन करके ही आती है, और उसका कोई पॉइंट भी नहीं है, वो तो एनर्जी ड्रेन आउट कर देती है। अगर आप दूर दूर से सीखो, लोग कहते हैं वो बेकार है, लेकिन सोसाइटी ने हमें ये नहीं सिखाया कि वो गलत क्यों है। वो गलत इसलिए यार, क्योंकि आज भी अगर किसी बंदे में मैं कहता हूँ एरोगेंस आ गई, तो वो बेसिकली करके आ रहा है दूसरों का सोच के अपनी खुद की एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है। भाई जिसको जो सही लगता है, सही गलत, उसके जो रिजल्ट्स होंगे भुगतान, वो भी तो वही करेगा, तो उसके बारे में अच्छा गलत खुद बोल के या सोच के तो फायदा ही नहीं है। और जबकि आप उसको जानते नहीं, आप उससे मिलते नहीं, फिर भी लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो आप एक बार ही बोल सकते हो। इफ समबडी डू नॉट लिसन, अगर वो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप 2 या 3 बार ही ट्राई कर सकते हो, बट इफ नॉट देन यू नो स्टेप बैक एंड अचीव थिंग्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राइड भी एक मैस्कुलिनिटी का एक ट्रेड है, एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं उसके बाद आती है, लेकिन पहले आपको उस लाइन में जाना चाहिए, फिर आपको हैप्पीनेस के रास्ते पे निकलना
निकलना चाहिए, और वो तो इवेंचुअली बंदा करता ही है क्योंकि ऑब्वियसली, और एट द एंड ऑफ द डे तो आपकी फैमिली भी यही चाहती है कि यार आप उनके साथ रहो। तो अभी आपने देखा होगा जब सोल्जर्स वापस लौटते हैं अपनी फैमिली के पास, तो कितनी खुश होती है वो अपनी फैमिली की, यार इतने लंबे समय बाद वो आए हैं स्टेशन पे लेने जाते हैं, खुश होते हैं। या कोई मैंने देखा भी पीछे मेरे भी एक चाचा जब कनाडा से इंडिया आए तो उनकी फैमिली खुश हुई। सो ये कुछ ट्रेड्स हैं मैस्कुलिनिटी के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप फेमिनाइन ट्रेड्स देखोगे तो लव, केयरिंग, नर्चरिंग, कि एक बच्चों एक उसकी माँ एक बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करती है, फिर वो बड़ा होता है एंड यू नो, और जब वो बड़ा होता है तो यू नो ही गेट्स मैरिड, और उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उसको एक लाइफ का एक नया फेज में वो एंटर करते हैं, जिसको अपने हिंदुइज्म में हम गृहस्थ आश्रम भी कह देते हैं, ब्रह्मचर्य के बाद एंड देन वनप्रस्थ। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी में देखें ना, तो चीज़ें एक बिल्कुल खेल बन के रह गई है बेसिकली, कि लोगों को उसका फिजिकल पार्ट ही एक सही लग रहा है, जो कि एक बहुत ही छोटी सी ही पार्ट है, कि वो तो आपका मतलब बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन लंबे समय के लिए आपके रिलेशनशिप में हमेशा इमोशनल सपोर्ट रहता है। और अगर आप उसी को ही अनदेखा कर दोगे, फिर तो उसकी जो मेन वाइटैलिटी है, इम्पोर्टेंस है, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई। सो कहने का मतलब कि लाइफ के हर पार्ट पर आप लोगों को अपने, मैं कहूँगा जो इंडियन है, अपने कल्चर के हिसाब से चलना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी गुड। उसके बारे में आप स्टडी करो, और इतना भी मुश्किल नहीं है ये। एंड्री हूबरमैन के पॉडकास्ट जब मैंने देखे तो उनकी स्टडीज़ में पाया गया है कि ब्रेन्स में जो फोटॉन्स होते हैं, हम बचपन से जो चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो जितने भी पॉप कल्चर रेफरेंसेस हो, बॉलीवुड मूवीज़ हो, तो उन्होंने हमें सिखाया ही है कि लव की भाषा ये होती है कि यू नो रिलेशनशिप्स में आओ, ये करो, वो करो। बट अगर आप एक अच्छा लाइफ जियोगे, अपने कल्चर के हिसाब से चलोगे, जो कि सबसे बेस्ट है, आपको मैं कहूँगा कीप एन ओपन माइंड, आप हर जगह से नॉलेज उठाओ और आप सबकी क्रेडिबिलिटी चेक करो, और आप ये देखो जो सबसे सही है, जो सबसे रियल है, जो रियल में है, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी चॉइस है। आई विश यू गाइस वेरी गुड लाइफ एंड अ वेरी ग्रेट लक फॉर योर अपकमिंग जर्नीज इन एवरी एंडेवर। और ऐसे ही मैंने ये वीडियोस तो मैं जारी रखूँगा कभी कभार बीच में, अगर मेरे को कोई टॉपिक मिलता रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहोगे। और नेक्स्ट वीडियो किसी एजुकेशनल और अच्छे कंटेंट पे मैं वर्क करूँगा। और थैंक यू गाइस, यश गुप्ता साइनिंग ऑफ।